और इसी के साथ दर्शक लगातार अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, नमस्कार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हकीम जी से बात करनी थी जी। बिल्कुल जी। नाम बताएं। आदाब सर। हाँ जी, उपेंद्र बोल रहा हूँ गुरु जी, हाथ जोड़ के नमस्कार जी। आदाब, हाथ जोड़ के आदाब गुरु जी। वो मैंने आपका वो जैतून नमक मंगाया है और अलसी का जो आपने मुझे नुस्खा बताया था जी, वो मैंने उसमें आधा ग्राम लेना चालू किया है। उसमें मुझे मेरे ख्याल में 5% आराम है, कुछ कुल 10 दिन हो गए मुझे लेते हुए उसे। अच्छा, कितना कितना ले रहे हैं? आपने बताया था गुरु जी, 1 चम्मच वो बोल रहा था अलसी और आधा ग्राम वो मिलाने के लिए बोल रहा था उसमें। ठीक है, आप लेते रहिए। हाँ जी, तो ये खाना खाने से कितनी देर बाद लेना जी? हाँ, फौरन बाद भी ले सकते हैं और पहले भी ले सकते हैं। आप पहले लेना शुरू करें तो शायद और ज़्यादा फायदा हो, और ये ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना रोग मुक्त हो जाएंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। आपको फ़ायदा शुरू हो गया, ये मुबारकबाद है आपको, और बहुत जल्द आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। चलिए, वाकई में उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से, जानते हैं उनके साथ किस तरह की परेशानी है। उमेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। बहुत जल्द आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते। चलिए, वाकई में उम्मीद करते हैं कि उमेश जी प्रश्न कीजिए। उमेश जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से, जानते हैं उनके साथ। उमेश जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद अपना सवाल करें। चलिए, उमेश जी हमारी बात अभी नहीं सुन पा रहे हैं और लगातार डिस्टरबेंस आ रहा है। जितने भी दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब वो हमें कॉल करें, अपना सवाल करें, तो टेलीविजन का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम कर दें ताकि हम आपकी बात को आसानी से सुन पाएं। हकीम साहब, इससे पहले कि हम बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। आदित्य जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से, उनकी समस्या जान लेते हैं। जी बताइए आदित्य जी, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? जी, मेरी उम्र 20 साल है जी, और मैं कुछ खाता हूँ तो वो मेरे शरीर को नहीं लगता है, मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा है, मैं थोड़ा दुबला भी हो रहा हूँ जी, और मेरा पेट भी जो है थोड़ा खराब सा रहता है जी। ठीक है, देखिए एक ये भी समस्या आती है उम्र के किसी हिस्से में कि जो खाते हैं वो जिस्म को लगता नहीं, और पेट की समस्या या लीवर की समस्या के अंतर्गत ये सब होता है। तो आप देखिए, एक नारियल पानी रोज़ ख़रीदें और उसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर रोज़ एक बार पी लिया करें। आप जो खाएंगे आपकी बॉडी को लगेगा और पेट का भी ठीक होना मुमकिन है। पेट ठीक करते हुए ये और आपके मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी ठीक करते हुए आपकी समस्या का निदान हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी ने हमें कॉल किया है बिहार से। संदीप जी अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। आदाब जी सर, एक्चुअली क्या सर कि मैं अपने पापा को ना यूरिन का ऑपरेशन करवाए थे 2010 में। पापा का ऑपरेशन कराए थे, कौन सी जगह का? यूरिन का, पेशाब का। ठीक है ठीक है, कितनी उम्र है उनकी? उनका 52 है सर, 52 बरस का है। ठीक है, तो इनको क्या अभी भी प्रॉब्लम क्या है सर कि जैसे अभी भी उनका क्या है कि फोर्सिंग से नहीं हो रहा है? ठीक है, अच्छा देखिए एक काम करिए आप के एक जो एक जो किचन में हमारे होता है मेथी, ये 500 ग्राम खरीद लें मेथी, और इसमें एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक कहते हैं इसे, ये रसायन जैतून हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में
एस्टेक जैतून कहते हैं, इस जैतून से उसका रसायन निकाल लिया जाता है जो बहुत कामयाब माना जाता है। तो 500 ग्राम मेथी और 100 ग्राम जैतून का एस्टेक, इनको पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम पिताजी को दीजिए, उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है जी। और साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं दवाइयों से संबंधित या घरेलू नुस्खों से संबंधित, तो लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर हमारी हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो देख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी दवाई आप मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाइयों को मंगवाने के बाद उसका सेवन करना और सही प्रकार से सेवन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रेखा सोनी जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। रेखा जी, सवाल पूछ सकती हैं आप। मैडम सर जी, मैं जी बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, मैं जी बोल रही हूँ, मेरे को सफेद पानी की शिकायत है, अभी 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 होने लगी जी। ठीक है, एज बता दीजिए सोनी जी। 40 साल है। ठीक है, और देखिए ये महिलाओं में बहुत रोग पाया जाता है और वो अपनी ये परेशानी शेयर भी नहीं कर पाती हैं। आप हिम्मत वाली हैं, वरना ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी है और बड़ा अच्छा इसका इलाज भी है। एक गोंद आता है जिसे गोंद मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप 100 ग्राम कहीं असली मिल जाए सफ़ेद वाला लेना, तो आधा ग्राम आप पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें। रॉ मटेरियल लेना, पाउडर बना लेना, आधा ग्राम पानी मिलाकर रोज़ एक बार पी लिया करें, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है जी। हाँ, वाकई में। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से हैं अमित जी, सवाल करना चाहते हैं। जी अमित जी बताइए, क्या प्रश्न है? नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सवाल करें। मैम ये सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहा था, पैरों पे घुटने के जी दर्द है। हाँ, सर्टिफिकेट घुटने में दर्द होता है जी। क्या उम्र है आपकी? हाँ, और कब से है? उम्र क्या है? 42 वर्ष। और कब से ये तकलीफ है? हो गया सर 5-6 साल तक। अच्छा, देखिए 5-6 साल हो गए, बहुत दवाएं कर ली, अब एक यूनानी दवा करिए। दवा भी बताता हूँ और घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। घरेलू नुस्खे के नाम पर एक गोंद आता है, गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, ये काला गोंद भी कहते हैं इसको और गोंद स्याह भी कहते हैं और ब्लैक गम भी कहते हैं। अब इसे आप 100 ग्राम कहीं से असली हासिल करें, असली मिलना बहुत ज़रूरी, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है और ब्राउन सा होता है, ब्राउन कलर का, लेकिन गोंद काला कहते हैं इसे। ये आधा आधा ग्राम अगर सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद लिया जाए तो कैसा भी जोड़ों का दर्द ठीक होना मुमकिन है। दवा बतौर आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, अगर सुबह शाम लेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और साथ ही बिहार से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, राजपाल जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ हेलो जी, पूछें सवाल। हाँ मैडम, मैंने हमारे मैडम को जो है ना पैर में जो है नस में जो है ना बहुत दर्द होता है जी, दवाई वाई होम्योपैथी का खा रहे या वो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं कमर में दर्द है, कभी चलने उलने में काफी मन परेशानी हो जाता है, कभी चुप्पी में दर्द हो जाता है जी, तो उसके लिए क्या करना होगा जी? क्या उम्र है आपकी मैडम की? 50 मान के चलिए सर। ठीक है, मान लेते। देखिए बहुत दवाई और जिंदगी भर दवाई और कोई फायदा नहीं, और मैं जो आपसे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, ये बहुत तजर्बा अपना अनुभव साझा करता हूँ। गोंद स्याह अगर मिल जाए असली वाला तो 100 ग्राम खरीद लें बस, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से देना शुरू करें। ये 100 ग्राम गोंद अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी श्रीमती जी का दर्द
जाना मुमकिन है। तो वाकई में उम्मीद यही करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऋषि गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी भी समस्या है, आइए जानते हैं क्या परेशानी है उनकी। ऋषि जी सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार जी, सवाल करें। मेरे बाबा जी के घुटनों में दर्द काफी हो रहा है और वो मतलब चलने के लिए उनके ज्यादा समस्या हो रही है और वो डॉक्टर ने सलाह दी है मतलब उसके ऑपरेशन कराने के लिए और मैं वहाँ पे ऐसा कोई सर से जवाब मांगे उससे घरे भी कोई नुकसान उससे मेरे बाबा जी का घुटनों का दर्द कम हो सके। बिल्कुल, घुटनों में दर्द, हकीम साहब इनके पिताजी हैं, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहते हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऑपरेशन करा लीजिए। नहीं नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप मेरी सलाह मान लें। देखिए, सलाह ये है कि हमारे घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर हो तो जल्दी से ठीक होंगे, नहीं होगा तो देर में ठीक होंगे, लेकिन ठीक हो सकते हैं वो। और ऐसे ही प्रेम कीजिए अपने बड़े बुजुर्गों का। और गोंद स्याह कहीं से आधा गोंद स्याह आता है, काला गोंद जिसे कहते हैं, ये कड़वा होता है, मिलता मुश्किल से या नकली मिलता है, असली हासिल कर ले, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से भी दे सकते हैं अगर डायबिटीज़ नहीं है, नाश्ते और रात को खाने के बाद। और पिताजी से कहें कि 5-7 दिन सब्र करें, 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करता है, एकदम से नहीं करता, और जब करता है तो रोग मुक्त कर देता है। तो ये आप खरीद लें या कैप्सूल टी केयर ले लें, अगर ये असली नहीं मिले, नकली मिले तो नकली मत लेना, नकली तो आप 1 किलो भी खा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, असली अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। और इसी के साथ किशोर जी की समस्या भी जान लेते हैं। किशोर जी ने बिहार से हमें कॉल किया है। किशोर जी, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? हाँ, हमारे साथ कमर में दर्द और घुटना में दर्द है जी। और आपके यहाँ से हम दवा मंगाए थे टी केयर जी, दो बार मंगाए थे हमको। फर्स्ट बार में कहा गया था कि 15 दिन में आपको लाभ बुझा जाएगा, लेकिन डेढ़ महीना खा चुके, उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। तो एक तामिल जी मिले, वो कहे कि उसके साथ हल्दी प्लस मंगाइए और साथ खाइए, लाभ होगा। तो हल्दी प्लस भी हम मंगा के खाए, लेकिन कोई लाभ अभी तक नहीं हुआ जी। अच्छा, दर्द बढ़ा था क्या? जी, दर्द कुछ नहीं बढ़ा, कम भी नहीं हुआ, बढ़ा भी नहीं जी। अच्छा, कोई औषधि खाते हैं आप? इंग्लिश दवाई खाते हैं कोई? अभी तो औषधि आपका वही हल्दी प्लस बच रहा जो खा रहे हैं। नहीं, कोई पहले खाते थे दवा, इंग्लिश दवा, दर्द निवारक दवा खाए सब? ज्यादा होम्योपैथी की दवा खाए, ठीक है, और बहुत दवा खाए, लेकिन दवा एगो पेन किलर खाते हैं तो कुछ कमता है, और कमता नहीं है। अभी खाते हैं आप पेन किलर या छोड़ दी? पेन किलर तो छोड़ दी, जब से आपकी दवा हम खा रहे हैं, डेढ़ महीने से ऊपर हो गया आपका दवा खाते हुए। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा देखिए, पेन किलर अगर छूट जाती है तो फ़ायदा माना जाता है, पेन किलर अगर कम हो जाती है तो कम फ़ायदा, अगर बिल्कुल छूट जाए तो समझ लीजिए पूरा फ़ायदा। जिसने यूनानी इलाज नहीं कराया होता उनको समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे दर्द हो तो मैं बगैर पेन किलर के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, अगर वो कम हो गया है तो पेन किलर लेना तो फ़ायदा है, और जो ख़त्म हो गया, रोक दिया है बिल्कुल, तो भी फ़ायदा है। आप को और कुछ दिन कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश से पहले याद रखें कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि जो कमर और घुटनों में दर्द है, हम जब वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते तो रोज़ाना उसकी रिपेयर होती है, और रोज़ाना बाथरूम जाने से वो उसकी रिपेयर ख़त्म हो जाती है। आप कुछ दिन और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखकर, नहीं तो फिर आपका वाहिद इलाज ऑपरेशन भी हो सकता है।